गुड मॉर्निंग बच्चों, 11 क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कुछ जो रूल होते हैं, उनमें से फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार या अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई इन लोएस्ट एनर्जी लेवल इन ऑर्बिटल और सबसेल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले उस ऑर्बिटल में या उस सबसेल में भरे जाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है इसका पोस्टलेट इसमें कि इलेक्ट्रॉन फिल इन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल और सबसेल्स, यानी कि उसके बाद आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करना आपको भरना है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था एन प्लस एल रूल। ये जो एन प्लस एल के द्वारा किसी भी दो सबसेल के बीच में एनर्जी का अंतर पता लगाते हैं कि इन दोनों में से किस सबसेल की एनर्जी कम है और किसकी क्या है ज्यादा। एन प्लस एल रूल के अनुसार जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे, एन प्लस एल की वैल्यू पर। जिस सबसेल के लिए एन प्लस एल वैल्यू की वैल्यू अधिक होगी वो उसकी ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, अधिक, और जिस सबसेल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स का जो रूल है इसके अकॉर्डिंग क्या, देखो कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़े। जैसे हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है इसको कहेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर, और अगर इसी के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन और रख दिया जाए तो ये कहलाएगा पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब होता है युग्म जोड़ा। इसमें तो इस अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर इन एनी ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल्स व्हेन ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल ऑफ इट हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच। समझना ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई भी जो सबसेल है उसके जितने भी ऑर्बिटल हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन भरते समय सबसे पहले आपको उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर भरना है। यानी कि एग्जाम्पल के द्वारा समझाओ इसमें, जैसे हमारे पास है पी सबसेल, तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो अगर आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें पी वन, तो यहां से हमने भर दिया वन इलेक्ट्रॉन। अगर पी में आपको टू इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपको पेयरिंग नहीं करनी है, पेयरिंग नहीं करनी है। ये जो हमारे पास हुंड्स रूल है यही कह रहा है कि जो आपके पास एक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं अगर उनमें आपको पेयरिंग करने, तो सबसे पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सभी ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन भरोगे। जैसे हमने भरा P3, तो P3 का मतलब आपको ऐसे भरना है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। फिर अगर आपको भरना है P4, तो जैसे 1 2 3, उसके बाद आपको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। हुंड्स रूल भी यही कह रहा है आपको इसमें कि आपको पेयरिंग तब करनी है जब सबसेल के सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, ठीक है, तभी आपको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। अगर आपको बना है P5, तो क्या हो गया 1 2 3 4, और फिर क्या करना आपको 5 करना है। तो ये हमारे पास हुंड्स रूल है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी सबसेल में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं
तो उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनना है, फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास में एंड और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है पैरेलल स्पिन, यानी कि जो आपके पास किसी भी सबसेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उनको उनकी जो स्पिन है वो कैसे होनी चाहिए, पैरेलल समान होनी चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आपने ये प्रदेश में कि पी आपको बना पी थ्री तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर आपने दूसरा प्रदेश में अपोजिट डायरेक्शन में जिसकी स्पिन क्या है अलग है और आपने ऐसे बढ़ दिया तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे किया इसमें कि एक दो तीन तो भी क्या माना जाएगा, गलत। यानी कि जो सबसेल होते हैं उनके ऑर्बिटल में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे किस स्पिन में होना चाहिए, पैरेलल स्पिन में होना चाहिए, सेम स्पिन में होना चाहिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो इसमें कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ ऐसे भर सकते हो, ये भी क्या माना जाएगा, सही, क्योंकि यहाँ पे भी इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रॉन भरते समय आप सभी को इन रूल्स को फॉलो करना है, और जब आप किसी भी सबसेल में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, पेयरिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सभी ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। बच्चों, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो एस सबसेल है वो स्टार्ट होता है किससे, वन से, ठीक है, 1s 2s 3s। जो हमारे पास पी सबसेल होता है वो स्टार्ट होता है किससे, 2 से, यानी कि आपको कभी भी 1p नहीं मिलेगा या आपको 1p नहीं लिखना है। ठीक है, 1 2p और हो सकता है 3p 4p 5p ऐसे हो सकते हैं। जो हमारे पास डी सबसेल है वो स्टार्ट होता है 3 से, यानी कि 3d से स्टार्ट होगा, ना ही आपको कभी भी 1d देखने के लिए मिलेगा या नहीं आपको लिखना है इसमें, या आपको कभी भी 2d नहीं लिखना, ध्यान रहे। ठीक है, जो एफ सबसेल है वो किस से स्टार्ट होगा, 4 से। तो ये आपको बच्चों इस समय याद रखना है, आगे बताएंगे आपको कि जो एस है वो 1 से ही स्टार्ट क्यों होता है, तो पी सबसेल है वो 2 से ही स्टार्ट क्यों होता है, जो डी सबसेल है वो 3 से स्टार्ट क्यों होता है। तो इस समय आपको क्या करना है, याद रखना है कि एस सबसेल किस से स्टार्ट होगा, 1 से, जो पी सबसेल है वो 2 से स्टार्ट होगा, 2p 3p 4p, जो डी सबसेल है वो 3 से स्टार्ट होगा, 3d 4d 5d, और जो एफ सबसेल है वो किस से स्टार्ट होगा, 4 से होगा, 4f 5f और 6s। तो बच्चों इसके बाद हमने पढ़ा था, इसमें कल आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि जो कुछ सबसेल दिए गए थे आपको क्या करना था, उनको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो मैं इस समय आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो कि आपको याद रखना है, और कभी भी आप इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय उस फॉर्मूले का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो बच्चों ट्रिक हमारे पास है, सड़प सफड़प। तो बच्चों इस ऐसे बना है, ऐसे क्या बनेगा, एस, और डी से क्या बनेगा, डी, पी से क्या, पै से क्या बनेगा इसमें, पी। इसी प्रकार से क्या बनेगा, एस, एफ से क्या बनेगा, एफ, डी से क्या बनेगा, डी, और पी से क्या, पैसे क्या बनेगा, पी।
तो बच्चों अभी अभी आपको बताया था कि जो एस सबसेल है वो किससे स्टार्ट होता है, तो एस जो सबसेल है वो किससे स्टार्ट होता है, वन से। तो यहाँ पे हमारे पास जो एस है यहाँ पे लिखना आपको वन, क्योंकि एस स्टार्ट होता है किससे, वन से। नेक्स्ट ये वन एस, ये क्या होगा टू एस, थ्री एस, फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस। अब जो हमारे पास पी सबसेल होता है वो किससे स्टार्ट होता है, टू से स्टार्ट होता है, तो ये हमारे पास क्या आएगा टू पी, थ्री पी, फोर पी, फाइव पी और सिक्स पी। जो हमारे पास डी सबसेल होता है वो किससे स्टार्ट होता है, थ्री से स्टार्ट होता है। तो यहां पे हमारे पास ये जो डी है ये कौन सा आएगा थ्री डी, फिर उसके बाद क्या आएगा फोर डी और फिर क्या आएगा फाइव डी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो एफ सबसेल है वो किससे स्टार्ट होता है, फोर से। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा फोर एफ। तो ये आपके पास एनर्जी का ऑर्डर आ गया, जितने भी आपके पास जो सबसेल हैं उन सभी का क्या आ गया एनर्जी का ऑर्डर आ गया। तो ये सभी सबसेल लिखे गए हैं एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s की उससे अधिक है, 2p की उससे अधिक है। तो बच्चों आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय इसका प्रयोग करना है और इलेक्ट्रॉन को क्या करना है भरना है इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p। अगर बच्चों आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जैसे ये 4p यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, पहले आया इसमें और उसके बाद आया 4d, तो बच्चों इनके एनर्जी में अंतर है, आप इनके एनर्जी ज्ञात कर सकते हो किसके द्वारा, n प्लस l के द्वारा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, क्या होगा सह सप सप सड़क सड़क सफरक, ठीक है। अब हम बच्चों एक एक जो अपने पास तत्व तो होते हैं आपने 10th क्लास में पढ़ा था जो पीरियोडिक टेबल है, कितने ब्लॉक होते हैं उसमें, कितने ब्लॉक होते हैं चार ब्लॉक, कौन कौन से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इन चारों ब्लॉकों में कुल तत्व भरे गए हैं 118, या हम कह सकते हैं हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं 118। अब हमें क्या करना है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन के लिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन के लिए लिखा जाता है इसमें, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है एक एक एलिमेंट को लेना है और उनका क्या लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है एच, और उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है वन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा वन। तो वन के लिए हमें क्या करना है हाइड्रोजन के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा यहां से, तो 1s, तो s जो सबसेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन हमें भरना कितना है एक, तो इसको क्या लिखेंगे 1s1, ठीक है। यानी कि पहले सेल में पर एटम के पहले सेल में और उसमें भी कौन से सबसेल एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा गया है इसमें एक। क्या यहां पे आपको इसमें 2d
2D की आवश्यकता पड़ी आपको, 1D की आवश्यकता पड़ी आपको इसमें नहीं, क्या आपको 1P की आवश्यकता पड़ी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें 2 होंगे, तो यहां पे हमने क्या करना है इसमें 1s2 यानी कि जो आपके पास 1s है अब वो कंप्लीट बढ़ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे कौन आता है, लिथियम, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 है इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 3, तो फिर से आपको यहां से स्टार्ट करना है, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वहां का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है तो आपको यहीं से ही स्टार्ट करना है इसमें, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहां से स्टार्ट किया हमने 1s2 यानी कि जो हमारे पास पहले कोश में जो सबसेल s है उसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 2, क्या इसमें और भरे जा सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या करेंगे इसके अगले सबसेल का उपयोग करेंगे इसमें, तो क्या आएगा 2s, अब 2s में भी कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन हमें भरना कितना है 1, तो यहां पे लिखना आपको उसमें 2s1, ठीक है। तो ये आपके पास लिथियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार हमारे पास है बेरिलियम है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे इसमें, तो ये आएगा 1s2 2s2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1s में 2 भर दिए हमने और 2s में भी कितने भर दिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास है बोरोन, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, सॉरी बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5 होता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 5, तो सबसे पहले इसमें 1s2 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने, कितने बच गए हमारे पास 3, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे 2s का, तो 2s2 कितने बढ़ दिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, कितना बच गया 1, तो किसका प्रयोग करेंगे 2p का, किसका प्रयोग करेंगे 2p का, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हमें कितना फिल करना है यहाँ पे 1, क्योंकि हमारे पास कितना बचा हुआ है 1, तो ये आ गया 2p1। तो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p1 होगा। इसी प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 8, इसमें जो कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे इसमें, तो 1s2 6 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, कितने बच गए 4, किसका प्रयोग करेंगे 2s का, फिर लिखेंगे 2s2 अब कितने फिल कर दिए हमने 4, अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भर बचे हुए हैं तो किसका प्रयोग करेंगे 2p का, यहां पे हमारे पास आएगा 2p2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 7 है और इसी तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7 होंगे इसमें, तो कहां से स्टार्ट करना है फिर से आपको यहां से, तो 1s2 1s2 फिर किसका यूज करना आपको 2s का 2s2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर दिया आपने 4, टोटल है कितने हमारे पास में 7, 7 में से हमने क्या कर दिया 4 फिल कर दिए इसमें, बस कितने गए हमारे पास में 3, तो क्या लिखेंगे 2p3। नेक्स्ट इसी प्रकार आपको ऑक्सीजन का और एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन का और नियोन, ये आपको क्या करने हैं खुद करने हैं, ठीक है, और इसी के साथ आपको क्या करने हैं 1 से लेके 30 तक जो भी एलिमेंट है आपको उनके सिंबल याद करने हैं,
उनका एटॉमिक नंबर याद करना है और इस प्रकार क्या करना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 21, तो इलेक्ट्रॉन के हमारे पास कितने में 21। तो बच्चों आपको कहां से स्टार्ट करना है, यहां से सबसे पहले क्या आपने 1s2 तो इलेक्ट्रॉन किसमें, फिर आपको किसका यूज करना है 2s का 2s2, फिर किसका यूज करना है p का 2p6, क्योंकि p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास है 3s तो 3s2, फिर आएगा हमारे पास में 3p6, फिर आएगा 4s2 और उसके बाद हमारे पास कहेगा 3d। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 4 और 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 टू 20, तो यहां तक बच्चों 20 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब हमारे पास कितने हैं 21, तो d में क्या चला जाएगा 1 3d 1। इसके दो अलग केस होते हैं बेटा, एक हमारे पास होता है क्रोमियम, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है 21, एक होता है हमारे पास कोबाल्ट कॉपर, दूसरा होता है हमारे पास कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो अगर क्रोमियम का लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन कितने 24 इलेक्ट्रॉन है पुलिस में, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो यहां पे हमारे पास 4s2 तक यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें हमारे पास बच कितने गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। जब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो क्या लिखेंगे 3d4। इसके अनुसार हमारे पास इस क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो ये आना चाहिए लास्ट में क्या आता है इसमें 4s2 और 3d4। लेकिन बच्चों ये गलत है, क्यों गलत है उसको आगे बताएंगे। इसी प्रकार हमारे पास जो कॉपर है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 29, तो 29 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, फिर से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो यहां तक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि यहां तक 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, 20 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। या हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि यहां तक जो आपके पास है 3p6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इसमें। अब हमारे पास 4s2 और 3d4 इसमें। अगर हम बात करें किसकी, कॉपर की, तो कॉपर के लिए यहां पे क्या होगा इसमें 4s2 18 + 2 कितने हो गए 20, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 29, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास है 9, तो यहां पे क्या आएगा 3d9 आएगा इसमें। तो बच्चों यहां पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू ये सही होने चाहिए, लेकिन क्या होते हैं ये गलत होते हैं। इसके लिए इसको समझाने के लिए एक रूल है हमारे पास कि जैसे हमारे पास पी सबसेल है, पी सबसेल कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है 3 से, और एक हमारे पास होता है डी सबसेल, जो डी सबसेल है वो 5 ऑर्बिटल से मिलकर बना है। अगर हमें यहां पे बढ़ना है इसमें p3, तो ये 1 2 3, तो यहां पे देखो नेक्स्ट हमारे पास एक रूल लगता है कि हाफ फिल्ड सबसेल या फुल फिल्ड सबसेल इज मोर स्टेबल, यानी कि आधे भरे हुए जो उपकोष
और फुल भरे हुए जो उपकोष होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें इसमें कि जो P3 है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्थायी होगा किसकी तुलना में, टोपे की तुलना में। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 अगर हमारे पास P5 है तो ये क्या कंप्लीट भरा हुआ है क्या, नहीं भरा हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, D5 की, तो D5 का मतलब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 तो ये सबसे क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, अर्थ भरा हुआ है इसमें। तो ये हमारे पास रूल होता है कि ऐसे सबसेल जो पूर्ण भरे हुए होते हैं या अर्ध भरे हुए होते हैं, यानी कि हाफ फील्ड होते हैं या कंप्लीट फील्ड होते हैं, तो वो जो आपके पास सबसेल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो सबसेल होते हैं वो अनफील्ड होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो आपके पास अगर हम इसकी बात करें क्या करें इसमें, ये 3D4, तो यहां पे हम 3D के लिए जो सबसेल है उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें। तो डी सबसेल हमारे पास इसमें 5 क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। 4 का मतलब हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 4, तो 1, 2, 3, 4 अगर इस डी सबसेल के पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, और हाफ फील्ड जो सबसेल होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये क्या करता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस 2s में से किसके पास चला जाएगा, 3d में, तो यहां पे कह दो 3d5 और ये क्या जाएगा, 4s1। तो यहां पे आपके पास ये जो 3d4 था ये स्टेबल होने के लिए इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिसकी वजह से 3d का जो सबसेल है वो हाफ फील्ड हो जाता है। तो अपने स्थायित्व को बनाने के लिए जो आपके पास 3d इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसके कारण जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 4s1 3d5, ना कि 4s2 और 3d4 होगा, ठीक है बच्चों। ये आपको याद रखना है, और क्यों होता है आपको ये भी याद रखना है। सेम इसी प्रकार अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के जो बायटम, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके लास्ट में क्या रहा है, 4s2 3d9, 3d9 मतलब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अगर d सबसेल को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा। और फुल फील्ड जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो, फुल फील्ड जो आपके पास सबसेल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो सेम इसी प्रकार जो कॉपर है ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो 4s2 है उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इसके इस वजह से इसमें कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आएगा 4s1। तो बच्चों ये दो केस है, इसमें एक तो क्रोमियम दूसरा कॉपर, ये दोनों ऐसे केस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब इसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है, बाकी आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, और आपको याद रखना है क्रोमियम और कॉपर का, क्योंकि यहाँ पे एक रूल लगता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो सबसेल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं।